हमारे बीच परम श्रद्धे सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्त्रबुद्धि जी, जी नेटवर्क के हेड व राज्यसभा सांसद श्री सुभाष चंद्र जी व श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर भारत भूषण जी पधार चुके हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान भारत माता की। हमारे अति विशिष्ट विभूतियों से सविनय निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं मोक्षयतन योग संस्थान की निर्देशक जानी मानी योग गुरु व सांस्कृतिक विशेषज्ञ परम आदरणीय गुरुजी आचार्य प्रतिष्ठा जी से आग्रह करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। परम श्रद्धे हम सभी के पूजनीय परम आदरणीय श्री सर संचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी, माँ स्वरूपा, श्री आनंदीबेन पटेल जी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद, आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, जी नेटवर्क एसएल ग्रुप के हेड और राज्यसभा सांसद श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी, मोक्षायतन योग संस्थान के अध्यक्ष, सभागार में उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, फ्रेंड्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मीडिया फ्रेंड्स, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अति विशिष्ट अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम सभी मोक्षायतन के 49वें स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित हुए हैं। मोक्षायतन ने 49 वर्ष एक एक पल समाज कल्याण को दिया है और इस वर्ष 50वें वर्ष में ये प्रवेश कर रहा है। मोक्षायतन के अनेकानेक प्रकल्प चलते हैं जिनके विषय में आप आज के इस कार्यक्रम में देखते रहेंगे, पर एक बहुत मुख्य प्रकल्प योग की शास्त्रीय विधा के संरक्षण और संवर्धन का, और उसके माध्यम से अब तक विश्व भर के करोड़ों लोगों को मोक्षायतन उनके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला चुका है। इसके साथ साथ एक और उपलब्धि मोक्षायतन की रही, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर योग गीत प्रतियोगिता के विजेता मोक्षायतन के ही श्री धीरज सारस्वत जी और मोक्षायतन ने ही भारत सरकार को पहला और अब तक का एकमात्र योग गीत दिया। आज उस ही योग गीत से हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नन्हे नन्हे योग साधक आपके समक्ष योग प्रस्तुति देंगे, हैं तो नन्हे लेकिन विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। संग छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। Oh.
सवारे योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। तन मन जीवन चलो सवारे, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सीखनाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना चलो सवारे योग मार्ग।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जहां योग की गूढ़ अंतरयात्रा के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य संगीत का भी कॉलेज चलता है, मोक्ष यतन अगली पीढ़ी योग व कला दोनों ही क्षेत्रों में आदरणीय गुरुजी आचार्य प्रतिष्ठा जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर महारत प्राप्त कर रही है। शास्त्रीय विधाओं के दरबारी करण का खंडन कर मंदिर परंपराओं को जीवित करने का कार्य मोक्ष यतन निभा रहा है। भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की संस्थापक आचार्य प्रतिष्ठा जी जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, सांस्कृतिक विशेषज्ञ, शास्त्रीय नृत्य गुरु, पूर्व राजनयिक और भारत के साथ साथ अनेका अनेक देशों में बचपन से ही योग, शास्त्रीय नृत्य व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर 40 से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं। पद्मश्री गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी की सुपुत्री होने के नाते प्रतिष्ठा जी ने जन के साथ ही साधना आरंभ कर दी थी। अब तक योग द्वारा उनके शिविरों से लाखों संख्या में लोगों को जीवन व स्वास्थ्य शांति प्रदान हो चुकी है। यूएसए, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, यमन, कतर, मॉरिशस इत्यादि देशों में उन्होंने योग व शास्त्रीय विधाओं का प्रचार करने के साथ साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी ने 5 पुस्तकें लिखी हैं। 30 से ज़्यादा विषयों पर आधारित CD और DVD का निर्माण किया है। 28 से अधिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य संरचना करने वाली आचार्य प्रतिष्ठा कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें दूरदर्शन की तेजस्वी सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें उन्हें देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं में सम्मान दिया गया। कई सरकारी कमेटी की सदस्य आचार्य प्रतिष्ठा जी एक कुशल प्रशासक भी हैं, जिन्होंने भारत सरकार के विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मॉरिशस की निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इन्होंने राष्ट्र के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए हैं, जैसे चीन द्वारा क्वीन ऑफ कथक योग, मॉरिशस द्वारा आयुर्वेद सम्मान इत्यादि। मैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से आग्रह करूंगी कि कृपया प्रस्तुति के विषय में बताएं। धन्यवाद। रसो वही सहा। परमात्मा आनंद रूप है और इसीलिए स्वयंभू शिव भी, योगीराज भी हैं, नटराज भी। भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की अति प्रचलित नृत्यमय कृष्ण कथा, जिसके 150 से अधिक मंचन हम वैश्विक स्तर पर कर चुके हैं, उस 1.5 घंटे की नृत्य नाटिका को मात्र 6.5 मिनट में समेटने का प्रयास ये नन्हे कलाकार आज करने जा रहे हैं। करिष्यति इति कृष्णा, करिष्यति इति कृष्णा। हम सभी के आकर्षण केंद्र हैं कृष्ण। अपने अति मानवीय गुणों के कारण, अनुकरणीय चरित्र के कारण और आनंददायिनी लीलाओं के कारण मोहन कृष्ण हमारी संस्कृति में पूर्णता के प्रतीक हैं। बालक हों तो कान्हा जैसे, युवा हों तो कृष्ण जैसे, योद्धा हों तो कृष्ण जैसे, राजनीतिज्ञ हों तो कृष्ण जैसे, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए पूरी की पूरी महाभारत जितवा दी, और गुरु हों तो भी कृष्ण जैसे, जो रणभूमि के मैदान में हताश निराश शस्त्र त्याग चुके सबसे बड़े धनुर्धर को ज्ञान देते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुनः। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान जिन्होंने दिया, आज हम सभी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि साक्षात परम आदरणीय, परम पूजनीय मोहन भागवत जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं।
और उनकी उपस्थिति में ये नन्हे बालक मोहन श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं को प्रदर्शित करने का साहस जुटा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज पर बुराइयों के, भ्रष्टाचार के, अन्याय के बादल छाए हैं, तब तब मोहन अवतरित हुए हैं, कृष्ण अवतरित हुए हैं। ये अंधियारी रात घूमड़ कर गरज रहे मेघा है, ये अंधियारी रात घूमड़ कर गरज रहे मेघा है, चम चम चमक रही बिजुरी ने खुद ये सच देखा है। दानव दल के दलन और भक्तन की प्यास बुझाने, भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि श्री कृष्ण धरा पर आने, श्री कृष्ण धरा पर आने, श्री कृष्ण धरा पर आने। बोलो बांके बिहारी लाल की। से योग साधना करते तो स्टाइल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस करूंगा, ऐसे हमारे कूर मासन की स्थिति लेनी। योग मजा है, सजा नहीं है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए योग की साधना। बॉडी इज अ मशीन। आप जीवन में जितना ऊंचा उठना चाहते हैं या जितना गहरा उतरना चाहते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी इज ऑनर्ड विद मेनी ऑनर्स इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ कथक योगा। चमके बिजुरी झिमी आस बंधावत है, दानवन के ताप से तप्त ब्रज मंडल में भक्तन के मान अरु संत जन की आन को त्रास न सावन प्रभु कृष्ण रूप धरी आवत है, कृष्ण रूप धरी आवत है, कृष्ण रूप धरी आवत है। एक गोपी लड़ती फिरे, एक गोपी लड़ती फिरे माखन लिया चुराए, दूजी बैठी रो रही छीना न माखन हाय। माखन तो बहाना है, गोपी री गोपी तुझे ही चुराना है।
देख काले कुंतलों को, देख काले कुंतलों को, लाज आती है घनों को। पगध्वनि जाती जहां, चंदन बनाती रजकणों को। है बहाना आज क्रीड़ा, है बहाना आज क्रीड़ा, हरने आया जग की पीड़ा, आज कान्हा ने उठाया। कालिया मर्दन का पीड़ा, फेंक कंदुक को नदी में, जमुना तट पर कृष्ण हट पर, आज इसको है झुकाना। लास्य पूरे हो चुके, अब क्रोध का नर्तन करूंगा। पुण्य का पालन किया, अब पाप का मर्दन करूंगा। हो गया नत शीश रण में, हो गया नत शीश रण में, कालिया को सुख मरण में। हार कर कान्हा से लगता, कल्प जीते एक क्षण में, कल्प जीते एक क्षण में। कृष्ण चंद्र गोवर्धन नख पर उठाए, कृष्ण चंद्र गोवर्धन नख पर उठाए ले, ब्रज को बचाए ले। देव ऋषि आकाश से फूलन बरसात है,
नारायण नाच गाए कृष्ण को रिधावत है नारद तोरत नारद तोरत गदे 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 दरबारी करण हमारे शास्त्रीय नृत्यों का उसके विपरीत भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के ये विद्यार्थी हमारी मंदिर परंपराओं को जीवंत रखने का कार्य कर रहे हैं। अब हम विनम्र आग्रह करना चाहेंगे हमारे अतिथिगणों से कि कृपया मंच पर पधारकर हम सभी को अनुग्रहित करें। आज सहारनपुर की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से मोक्षायतन योग संस्थान के अनगिनत प्रयास से आज ये महान विभूतियाँ सहारनपुर की धरती पर पधारी हैं। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत अवश्य कीजिए। सहारनपुर की धरती पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण को के साक्षी आप सभी भी बन रहे हैं। मोक्षायतन योग संस्थान में पधारे हमारे इन परम पूजनीय अति विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से होना तो बनता है। संस्था से बहुत लंबे से जुड़े हमारे साधकगण, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले श्री संजीव वालिया जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आकर के परम पूजनीय सर संचालक जी का कलश व रुद्राक्ष माला के साथ स्वागत करें। संजीव वालिया जी, संजीव वालिया जी उपस्थित हैं यहाँ। करतल ध्वनि के साथ हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी का हृदय की गहराइयों से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूँगी मोक्षायतन योग संस्थान की श्रीमती निष्ठा सारस्वत जी से कि हमारी शक्ति स्वरूपा परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया का कलश व रुद्राक्ष माल के साथ स्वागत करें। निवेदन करना चाहूँगी प्रदीप चौधरी जी से कि कृपया हमारे परम आदरणीय राज्यसभा सांसद व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि के साथ श्री ज्ञानेंद्र जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं और जी नेटवर्क के चेयरमैन, एसएल ग्रुप के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाष चंद्रा जी का कलश व रुद्राक्ष माला के साथ स्वागत करें। करतल ध्वनि के साथ आप सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करें। और आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए तो है ही कि मोक्षायतन योग संस्थान का 49वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, पर आज ही वंदनीय गुरुदेव का जन्म दिवस भी है। मैं निवेदन करना चाहूँगी
मुकेश चौधरी जी से कि कृपा श्रद्धेय गुरुदेव का आज के इस विशेष दिवस पर स्वागत करें। मुकेश जी, Can we have the screen on the stage, please? Screen. ये मनुष्य की विकृति है, पर तुम सुखी रहो, मैं भले ही थोड़ा सा दुखी रह जाऊं, ये मेरे महान देश की संस्कृति है। और उस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का कार्य मोक्षायतन योग संस्थान पिछले 49 ईयर्स से कर रहा है। फिर चाहे शिक्षा प्रणाली में योग की शिक्षा के सूत्रपात की बात करें, पुलिस एकेडमीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस या भारतीय सेना में योग शिक्षा के शुभारंभ की बात करें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात करें, यहाँ तक कि योग गीत देने से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव माई लाइफ माई योगा के नेशनल और इंटरनेशनल दोनों विनर्स मोक्षायतन योग संस्थान से ही हैं। मोक्षायतन योग संस्थान की इन 49 ईयर्स की जर्नी को सिर्फ 2 मिनट में समेटने का प्रयास हमारी मीडिया टीम ने किया है। आइए मोक्षायतन की इस यात्रा को एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। कैन वी हैव द Established by Gurudev Swami Bharat Bhushan Ji in 1973 to serve the suffering humanity with nectar of yoga for perfect health, harmony and kingdom of bliss consciousness to benefit people from across globe with Indian science of yoga with the motto Shakti Sanyam Seva, Power Command Service. It was named Mokshaitan by Gurudev as Moksh means salvation or perfection or liberation from sorrows caused by ignorance and Ayatan means expansion. Mokshaitan is not the destination but just a way to perfection and liberation from the bondages of ignorance. Mokshaitan has gained broad recognition because of its multidimensional activities and human utility. It has attracted the dignitaries and yoga seekers from across the globe alike, including small kids to the president of the nation. Aim of Mokshaitan Yoga Sansthan is physical, mental and emotional balance and cultivate the great cultural and spiritual heritage of India. It also aims at developing sense of responsibility and towards re-establishing the human values in this society through its various projects. Spread in several countries, Mokshaitan Yoga Sansthan's few of the various projects are National Integration New Responsibilities Lecture Series, Life Savers Unit, Live Blood Bank, Cow Protection, Rashtra Vandana Mission, Sanskar Shiksha Abhiyan, Women Empowerment, Cleanliness Drive, Publications and Healthcare Centers, Educational Institutes, Public Yoga Camps for Classes and Masses, Cultural Wing, Yagyashala, Bharat Yoga Media, Transforming Prisoners, Behavioral Science and Stress Releasing Project for Indian Forces. Mokshaitan Yoga Sansthan has changed the lives of millions all over the globe with its various projects. Mokshaitan came out as the first yoga institute to prepare COVID-19 prevention and management protocol. It initiated the unique horseback yoga and has spread the science of yoga internationally, especially the rural areas. Mokshaitan, under the guidance of Shraddhay Gurudev Swami Bharat Bhushan Ji, will continue to serve the humanity at large. ने अपने जन्म दिवस पर, अपने अवतरण दिवस पर हम सभी को मोक्षायतन योग संस्थान दिया। गुरुदेव का पूरा जीवन योग व मानवता को समर्पित है। उस समय जब योग विद्या को बहुत अधिक लोग प्रचलित रूप से नहीं जानते थे, आज जिस योग का स्वरूप हम देखते हैं उसके पीछे के संघर्ष को, गुरुदेव के संघर्ष को हमने देखा है। फिर चाहे वो शिक्षा प्रणाली में योग के सूत्रपात की बात हो या फिर हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में योग के शुभारम्भ की, हमें अभी भी याद है जब आर्मी में योग की शुरुआत की बात थी तब गुरुदेव ने जब ये प्रस्ताव रखा तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आर्मी वाले तो बहुत फिट होते हैं, उनको क्या योग की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने कहा कि योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में ही दिया गया था, सबसे बड़े धनुर्धर को जो रणभूमि के मैदान में शस्त्र त्याग देता है उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुनः। गुरुदेव का पूरा जीवन योग को समर्पित है। 1991 में
योग विद्या के लिए पद्म सम्मान पाने वाली पहली विभूति गुरुदेव बने और ये उनके लिए उल्लास के साथ साथ गर्व का विषय था क्योंकि उससे पहले उनकी विद्या को इस अवार्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। गुरुदेव की इतनी लंबी यात्रा को 3.5 मिनट में समेटने का प्रयास हमारी मीडिया टीम ने किया है। गुरुदेव की जीवन यात्रा पर एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखेंगे। अप्रैल 1952 में स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त पंडित बिशंबर सिंह व वीरांगना माता रामकली देवी के यहाँ जन्मा एक बालक शुरू से ही योग यज्ञ स्वास्थ्य सेवा व परोपकार का रुझान लिए था। तरुणाई में उसे सिनेमा नहीं संत ही भाए। 16 वर्ष की आयु में उसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर सर्विस टू गॉड कंट्री एंड योर फेलो मैन, I wish you Godspeed। इस ही छोटी उम्र में पाक छाताधारियों को पकड़वाने में इस तरुण की बहादुरी को फील्ड मार्शल जनरल सैमुअल मानेक शाह ने सम्मानित किया। सेना व पुलिस के प्रति आकर्षण व अभिनय के शौक भी इन्हें अध्यात्म व अभ्यास से विमुख न कर सके क्योंकि इन्हें तो गुरु ही बनने के लिए रचा गया था। इनका व्यसन पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, कबीर सरीखों से दोस्ती और बजरंग बली की सेवा ही रहा जिसने इन्हें फौलादी जिस्म के दिल्ली श्री, अर्जुन व प्रताप श्री, हिमाचल श्री व भारत श्री जैसे खिताब और योग सेवा का धर्म दिया। मात्र 21 वर्ष की आयु में 1973 में मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना करके अपने ज्ञान को तिजोरी में बंद रखने या मात्र कमाई का साधन बनाने के बजाय अपने ज्ञान व स्वयं को अपने असंख्य शिष्यों में घोल दिया। योग गुरु स्वामी भारत भूषण मात्र 39 वर्ष की आयु में योग साधना के क्षेत्र में राष्ट्रपति से पहला पद्मश्री सम्मान पाने वाली विभूति हैं। इन्हें CCS यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट की उपाधि भी प्राप्त है। गृहस्थ सन्यासी के रूप में विख्यात गुरुदेव ने 1990 से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत करके योग का संदेश करीब 60 से अधिक देशों तक पहुंचाया। योग साधना के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलियान इंटरनेशनल क्लब चाइना द्वारा ग्लोबल जेम ऑफ योग, जी न्यूज उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा अवध सम्मान व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साथ ही एम्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। इंडिया टुडे द्वारा 2011 में इन्हें भारत के 50 ऊंचे और असरदार लोगों में शुमार किया गया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। गुरुदेव ने अनेक मंत्रालयों, प्रशासनिक व पुलिस अकादमी, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, विश्वविद्यालयों इत्यादि में विशेषज्ञ के रूप में योग शिक्षा की शुरुआत की। महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गवर्नर समेत देश विदेश की अनेक विभूतियों ने मोक्षायतन योग संस्थान पहुंचकर उनके योग व समाज सेवा अभियान को सराहा। गुरुदेव ने योग केंद्र, जिम्नेजियम, स्कूल, कॉलेज की स्थापना करने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए 1990 से मानवता की भेदभाव रहित सेवा के लिए लाइव ब्लड बैंक की शुरुआत करके युवा शक्ति को देश व मानवता के लिए उपयोगी बनने की दिशा दी। गुरुदेव के अनेक शिष्य आज अनेक देशों में भारतीय योग का परचम लहराने के साथ साथ योग अध्यात्म द्वारा एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय योग की मौलिकता को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा आरंभ किया गया भारत योग आज विश्व भर में व्यापक रूप ले चुका है व भारत योग पर 40 से अधिक टीवी शोज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं। दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना थी जब दो देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने 2018 में गुरुदेव के योग सत्र में एक साथ योगाभ्यास किया। इसी वर्ष 2018 में 21 जून को संयोग वश जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, आई इंसिडेंटली हैपन टू बी ऑन अ फॉरेन विजिट इन सूरीनाम। दिस वाज द फर्स्ट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दैट टू हेड्स ऑफ द स्टेट्स ज्वाइंड एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो मंच पर सुशोभित हैं हमारे स्वामी भारत भूषण जी, उस योग कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन योग व मानवता के कल्याण को समर्पित किया है। विश्व भर में फैले योग साधकों की ओर से जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धेय गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। Someone achieving so much in one lifetime is really commendable. संपूर्ण वैश्विक भारत योग परिवार की ओर से गुरुदेव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन। यूं तो संस्थान के सभी साधक अत्यंत श्रद्धा भाव से
हमारी इस योग परंपरा और समाज कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पर कुछ साधक जिन्हें हाल ही में कुछ विलक्षण प्रतिभाओं के लिए अवार्ड्स हुए हैं, अगर उनको हमारे मंच पर सुसज्जित ये महान विभूतियाँ प्रोत्साहन के रूप में आशीर्वाद दे दें तो उन बच्चों का प्रोत्साहन भी होगा और उनकी प्रेरणा भी बढ़ेगी। संस्थान के कुछ ऐसे विद्यार्थी, उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव माय लाइफ माय योगा कॉन्टेस्ट के नेशनल एंड इंटरनेशनल विनर, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जीते हैं, प्रणय शर्मा मोक्षायतन योग संस्थान के, वो मंच पर आए। प्रणय शर्मा के लिए गाय बछड़ा हमारी संस्कृति, आज प्रणय के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रणय को ऐसी महान विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। प्रणय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों माय लाइफ माय योगा कॉन्टेस्ट जीते हैं और उसकी प्रस्तुति आपने अभी इस योग प्रस्तुति में देखी है। 10 वर्ष की आयु में ट्रॉफी तैयार रखें। 10 वर्ष की आयु में मोक्षायतन की नन्ही देवी प्रत्यक्षा सारस्वत ने प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव माय लाइफ माय योगा कॉन्टेस्ट में मॉरिशस से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देवी प्रत्यक्षा, ये सचमुच में ऐतिहासिक क्षण है और इन बालकों के लिए जीवन भर के लिए समेट लेने वाले क्षण। करतल ध्वनि के साथ इन नन्हे बालकों की प्रेरणा यूं ही बनी रहे। मोक्षायतन योग संस्थान इस वक्त 60 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है और इसकी अनेक शाखाएं चलती हैं, पर कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो और शाखाओं के लिए भी प्रेरणा बन जाती है, और ऐसी ही शाखा है मुरादाबाद शाखा। मुरादाबाद शाखा के श्री अमित गर्ग जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, मुरादाबाद शाखा का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से करने के लिए। बहुत सुंदर क्षण और ये आशीर्वाद आजीवन अमित गर्ग जी के साथ रहने वाला है। बस दो और। नोएडा शाखा बहुत ही एक्टिव शाखा है हमारी और वहाँ हम प्रतिवर्ष लगभग कई सौ विद्यार्थी योग के, जो थेरेपी सीखते हैं वो अलग, लेकिन जो विधिवत रूप से योग की शिक्षा ग्रहण करके टीचर्स बन रहे हैं और आगे पारंपरिक योग को ले जा रहे हैं, नवनीश शर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नोएडा शाखा का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए। नवनीश शर्मा, और ये सभी साधक पीछे स्टेज व्यवस्था में भी लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो रूप आप देख रहे हैं ये हमारे मोक्षायतन के जितने साधक यहाँ भी खड़े हैं इन सब के प्रयासों से ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोक्षायतन की गतिविधियों के कलात्मक पक्ष, जो कलात्मक पक्ष आपने देखा भी और इस मंच पर भी जो आप देख रहे हैं, उस कलात्मक पक्ष में योगदान के लिए श्री विक्रांत जैन जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। ये ऐतिहासिक क्षण और आजीवन साथ रहने वाले ये आशीर्वाद। आज
हमारा परम सौभाग्य है। परम सौभाग्य इसलिए है कि आज परम पूजनीय सर संचालक जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और सहारनपुर की धरती पर उनके चरण पड़े। आप श्रद्धेय हैं, जय। अत्यंत सुंदर दृश्य, जय। आप परम आदरणीय हैं, परम श्रद्धेय हैं, लेकिन इस वैश्विक परिवार के मुखिया भी हैं और मुखिया के सर पर तो पगड़ी अच्छी लगती है। मैं वंदनीय गुरुदेव से आग्रह करना चाहूँगी कि आश्रम का पारंपरिक तरीका विधिवत रूप से पगड़ी पहना करके परम पूज्य सर संचालक जी का अभिनंदन करें। ये अत्यंत आनंद के क्षण, उल्लास के क्षण, और इन सब के साक्षी बन रहे आप और हम। सहारनपुर की धरती पर रचा जा रहा इतिहास, मोक्षायतन के सभी साधक विधिवत रूप से स्वयं भी पगड़ी बांधते हैं और सबको पगड़ी बांधना आता भी है। इन अत्यंत सुंदर क्षणों के साक्षी हम लोग बन पा रहे हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुदेव से एक बार फिर निवेदन कि आदरणीय परम पूज्य सर संचालक जी का अभिनंदन। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुवर प्रियभक्तम वातजातम नमामि। संपूर्ण मोक्षायतन परिवार की ओर से परम पूजनीय सर संचालक जी का हृदय से अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से स्वागत जी। महामहिम करतल ध्वनि के साथ
इन सुंदर क्षणों को हम सभी साक्षी भाव से देख रहे हैं, आनंदित अनुभव कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम हमारे अति विशिष्ट अतिथियों के सम्मान श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, संस्थान की अनेकानेक गतिविधियों पर प्रतिवर्ष सिंहावलोकन नाम से एक पत्रिका पब्लिश की जाती है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ महामहिम राष्ट्रपति जी भी उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। मैं चाहूंगी कि उन शुभकामनाओं को स्क्रीन पर दिखाया जाए, बैक स्क्रीन पर भी, और वार्षिक पत्रिका सिंहावलोकन के रिलीज के लिए हम अपने सभी गणमान्य विभूतियों से निवेदन करेंगे कि इस वार्षिक पत्रिका सिंहावलोकन, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि आगे तो बढ़ना है लेकिन पीछे पलट के देखते ज़रूर जाना कि जो जो गलतियां हुई हों उनको सुधारते जाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ। पीछे स्क्रीन पर आप हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्राप्त शुभकामनाएं, क्योंकि पूर्व निर्धारित यात्राओं के कारण वो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, करतल ध्वनि के साथ मोक्षायतन की वार्षिक पत्रिका का लोकार्पण। और अब हम सम्मान श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मोक्षायतन का सर्वोच्च सम्मान स्वास्थ्य श्री, जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी सरीखी विभूतियों को सुसज्जित करने का सौभाग्य मोक्षायतन को प्राप्त हुआ है। आज हम सब अत्यंत गौरव व विनम्रता के साथ हमारी परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा राज्यपाल महोदया महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनका शौर्य व कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिन्होंने बाल्य अवस्था में ही ब्रेवरी अवार्ड के साथ साथ शिक्षक सम्मान व अनेकानेक ऐसे सम्मान प्राप्त किए हैं, हम मोक्षायतन की ओर से श्रद्धेय गुरुदेव से आग्रह करते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया को स्वास्थ्य श्री सम्मान से सम्मानित करें। और जो उनका स्वास्थ्य है, परमात्मा से ये प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार से स्वस्थ रहें और लोक कल्याण का कार्य करती रहें। मुझे निजी रूप से जो वो कार्य कर रही हैं वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए बस परमात्मा से यही प्रार्थना कि प्रभु उनको सदैव 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 स्वस्थ रखें। करतल ध्वनि के साथ महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को मोक्षायतन योग संस्थान की ओर से स्वास्थ्य श्री सम्मान। भागवत गीता संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का कार्य हमारे आदरणीय विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के रूप में तो कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी वो एक चलते फिरते सांस्कृतिक दूत हैं। मुझे गत वर्षों उनके बहुत निकट से उनके कार्य को देखने का और उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को संस्कृति दूत गुरुदेव से आग्रह करूँगी कि आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी को संस्कृति दूत सम्मान मोक्षायतन की ओर से प्रदान करें।
करतल ध्वनि के साथ मोक्षायतन की ओर से संस्कृति दूत सम्मान आदरणीय विनय सहस्रबुद्धे जी को। आदरणीय श्री सुभाष चंद्रा जी, जिनका यश चारों ओर फैला हुआ है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता। चाहे फिर हम स्वस्थ पत्रकारिता की बात करें, या फिर सफल व्यवसाय की, या फिर एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर की, या फिर एक अत्यंत प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर की, और चाहे हम सच्चे राष्ट्रभक्त की बात करें, अपने हर रोल को बखूबी निभाया है इन्होंने। हमें 2007 में जी नेटवर्क ने एज दी यंगेस्ट योगाचार्य लॉन्च किया था। 7 वर्ष का लंबा कार्य हमने जी नेटवर्क के कार्य को देखा और आदरणीय सुभाष चंद्रा जी के कार्य को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रद्धेय गुरुदेव से निवेदन है कि आदरणीय सुभाष चंद्रा जी को सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित करें। यूं तो आज का कार्यक्रम अति विशिष्ट है। अति विशिष्ट अतिथिगण हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और इसका एक एक मिनट प्री डिसाइडेड है। पर एक ऐसी चीज़ जो प्रोटोकॉल में तो नहीं है, पर क्योंकि आज श्रद्धेय गुरुदेव का जन्मदिवस है, उनका अवतरण दिवस है, तो सभी मोक्षायतन के साधकों का ये भाव है कि यदि हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण पुष्प वर्षा से गुरुदेव के जन्म दिवस को यहाँ एक बड़ा रूप दे पाए। पुष्प ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्श्रवाः स्वस्तिनः पूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। सभी मोक्षायतन के साधकों की ओर से जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं गुरुदेव को, करतल ध्वनि के साथ। और अब वो घड़ी जिसका हम सभी को बहुत देर से इंतजार था। हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण, और गुरुदेव तो कहते हैं कि ठीक है, आमंत्रण हमने अतिथि के रूप में दिया है, पर अब तो आप परिवार के मुखिया हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनको सुनने का समय, जिसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राज्यसभा सांसद व जी नेटवर्क एसएल ग्रुप के हेड श्री सुभाष चंद्रा जी को, कि कृपा मंच पर आएं और अपनी बात रखें। श्रद्धेय मंचासीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्रद्धेय मोहन जी भागवत, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मेरे मित्र और अपने नाम के अनुरूप जीवन यापन करने वाले बुद्धिजीवी भाई विनय जी शास्त्र बुद्ध, परम आदरणीय
पूज्य स्वामी जी डॉक्टर भारत भूषण जी, यहाँ पर सभी उपस्थित बंधु भगिनी, योग के साधक, मेरे मीडिया के साथी, सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज एक बड़ा हर्ष का दिन है, जबकि मोक्षयातन योग संस्थान के 49 वर्ष पूरे करके 50वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। और जो चीज़ हमने देखी स्वामी जी आपके निर्देशन में, जितने बहुत अच्छे काम आपने इस 49 वर्षों में किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं योग का बहुत गहन साधक तो नहीं हूँ, परंतु अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह ज़रूर थोड़े समय योग करते हैं। और योग का जो महत्व मैंने समझा है और जो यहाँ आज के गीत में बच्चों ने सिखाया, बताया कि शरीर, मन और अपने अंदर जो चेतना चल रही है उसका योग, उन तीनों का योग करके और अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान के माध्यम से इस जन्म मरण के भव चक्र से दूर निकल के मोक्ष प्राप्त करना, यही मुझे समझ में आया। और इस देश में जितने भी बहुत बड़े ऋषि मुनि संत, जिन लोगों ने एक बोधि प्राप्त की, जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, उन लोगों ने जो अपनी बात कही उसको मैं 2 मिनट में यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बात स्वामी जी भी आपको बताएंगे कि अंत में तो अंतोतया तो मोक्ष की प्राप्ति आपको स्वयं ही चल के करनी पड़ती है। कोई ऐसे साधु संत अपना रास्ता आपको ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति को बोधि प्राप्त हुई, उन्होंने यही कहा कि अज्ञान के वश हम मनुष्य जीवन में हर समय किसी न किसी प्रकार के संस्कार अपने मन में पैदा करते हैं। वो संस्कार जिसको कहते हैं, उनको राग या द्वेष के संस्कार हम पैदा करते रहते हैं, गांठें बांधते रहते हैं जीवन में, जिसकी वजह से हमें फिर पुनर्जन्म का भोग भोगना पड़ता है और ये भव चक्र चलता रहता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या से ही संखार पैदा होते हैं, संखार पच्चया विज्ञान, फिर एक ऐसा विज्ञान पैदा होता है उन संस्कारों की वजह से, उन संखारों की वजह से, और विज्ञान पच्चया नाम रूप, उसी विज्ञान की वजह से हम वापस एक शरीर के रूप में और मन के रूप में, कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड मैटर के रूप में वापस पैदा होते हैं। नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन यानी 6 इंद्रियां हमारी, नाम रूप के साथ साथ ही ये 6 इंद्रियां प्रस्तुत होती हैं। और सलायतन पच्चया फस, यानी इन इंद्रियों के जो विषय हैं, 6 इंद्रियों के जो विषय हैं इस संसार में भरे पड़े हैं, और हम हर समय हर पल किसी न किसी विषयों से हमारी ये इंद्रियां संपर्क करती हैं। तो इसलिए कहा सलायतन पच्चया फस,
और फस पच्चे आवेदना, जब संपर्क इन इंद्रियों का इन विषयों से होता है तो उससे उस संपर्क की वजह से हमारे शरीर में एक संवेदना का संचरण होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस सनायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा को यह माना कि शरीर में सुख और दुख दोनों तरह की अनुभूतियां हमें महसूस होती हैं उस संवेदना के कारण, और उस सुख के कारण हम राग की तृष्णा जगाते हैं, और दुख अगर हमें वो वेदना बुरी लगती है तो उसके कारण हम द्वेष के संकार अपने अंदर पैदा करते हैं। वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान। उपादान का मतलब यहाँ कहा कि अटैचमेंट हम लोग पैदा कर लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, उसके प्रति अटैचमेंट, क्लिंगिंग, कुछ भी आप कहें वो हम पैदा करते हैं। तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, फिर वो भव चक्र वापस शुरू होता, और उस भव की वजह से भव पच्चया जाति, जाति को जन्म से जोड़ा यहाँ, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणंग शोग परिदेय दुख दोमनस्य उपायासा संभवंती। उस जन्म को जब दोबारा लेते हैं तो सारे पहाड़ दुख के खड़े हो जाते हैं, और इस जन्म और मरण के चक्र से हम लोग जूझते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए जो योग का और उपासना का आपने जो यहाँ पर इस संस्था के माध्यम से किया है, अगर इसको हम लोग समझ सकें तो ज्ञान से ज्ञान की तरफ प्राप्त होंगे, अज्ञान को छोड़ेंगे, अंधेरे से रोशनी में आएंगे। ये सब आपने किया, आपको शत शत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आज महामहिम गवर्नर साहिबा भी यहाँ उपस्थित हुई हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें सीखी समझी हैं, उनको सुनेंगे तो उनसे सीखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स माननीय सरसंघ चालक जी से तो हम बचपन से सुनते आए हैं उनको, और आज सुनेंगे, और भी कुछ न कुछ नई बात सुनने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपने सब ने मुझे यहाँ बुलाकर आदर मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आदरणीय सुभाष चंद्रा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम आग्रह करना चाहेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धि जी को कि कृपया कुछ शब्द हम सभी के साथ साझा करें। हम सबके पालक, अभिभावक, मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, इस प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनके सान्निध्य में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित आए हैं, वो मोक्षायतन संस्थान के आदरणीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी, राज्यसभा में हम सबके साथ काम करने वाले और देश के मीडिया जगत में भारतीयता का स्वर बुलंद करने वाले माननीय श्री सुभाष चंद्रा जी, सामने बैठे हुए सभी सहारनपुरवासी सूधी जन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का और मोक्षायतन संस्थान का, और जिसमें आचार्य प्रतिष्ठा जी का भी समावेश है, बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और संस्कृति दूत के नाते संस्कृति दूत सम्मान देकर मुझे गौरवान्वित किया। वैसे
मुझे तो लगता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि इस संस्कृति को समझने वाला हर कोई इस संस्कृति का दूत बन ही जाता है, क्योंकि ये संस्कृति अपने आप में एक स्वयं प्रकाशित संस्कृति है। वो जहाँ जहाँ पहुँचती है प्रभाव निर्माण करती है। आचार्य जी को पता है, प्रतिष्ठा जी को भी पता है कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में हम हर साल 2015 के बाद रामायण महोत्सव करते हैं, और ब्रुनेई जैसा देश है जहाँ पर 100% इस्लाम के अनुयायी है, तो हमारे लोगों ने उनको भी निमंत्रण दिया। पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया कला पथक उनका आया, उन्होंने रामायण की प्रस्तुति दी, और जब किसी ने उनको अनौपचारिक चर्चा में कहा कि हमें थोड़ा संदेह था कि आप आएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, हमने अपनी उपासना की पद्धति को बदला है, संस्कृति को बदला नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि वो तो स्वयं प्रकाशित है, जहाँ जहाँ भी वो उपस्थित होती है, पहुँचती है, वहाँ अपना प्रभाव डाल देती है। और संस्कृति को समझने से ही मैं मानता हूँ कि संस्कृति के वाहक बनने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब शतकों पहले पारसी समुदाय भारत में आया और गुजरात के किनारे पर उसका स्वागत किया गया, सुरक्षा प्रदान की गई, तो आज संसद के प्रवेश द्वार में ऊपर जो लिखा है, जहाँ से हम प्रविष्ट होते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये अलग से बताने की जरूरत होती नहीं। पारसी समुदाय को तो वो ध्यान में आया कि यहाँ पर ये एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक जनतंत्र की परंपरा है, यहाँ पर किसी एक मत का एकाधिकार नहीं है। माय वे और हाई वे, ये यहाँ की पद्धति नहीं है। जब हम बट पूर्णिमा जैसे उत्सवों को मनाते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में अलग से लंबा लेक्चर देने की जरूरत होती नहीं, जो विश्व में आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। विश्व में सामूहिकता और व्यक्तिगतता के बीच एक रस्साकशी दिखाई देती है। कुछ समुदाय व्यक्तिगतता को बड़ा महत्व देते हैं, कुछ समुदाय सामूहिकता में ही मोक्ष को ढूंढते रहते हैं। हमने एक संतुलन का रास्ता अपनाया। कई बार ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ तो हर दिन की विशेषता है। हमारे यहाँ रथ सप्तमी है, दुर्गाष्टमी है, रामनवमी है, विजयादशमी है, और एकादशी तो लगभग हर महीने की पवित्र मानी जाती है। हर दिन का महत्व है, वैसे ही हर महीने का है, और संवत्सर को तो हम स्वाभाविक रूप में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानते हैं। तो सामूहिकता, व्यक्तिगतता, ऐसे झगड़े में भी हम कभी पड़े नहीं। व्यष्टि और समष्टि दोनों का एक संतुलित सम्मान करने की हमारी पद्धति रही है। मगर ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारत शायद विश्व में एकमात्र देश होगा कि जिसके समाज की, जिसके संस्कृति की और जिस देश की हमेशा उसके प्रति एक सम्मान की भावना विश्व के समुदाय में हमेशा से रही है। भारत के प्रति द्वेष है, ऐसे इक्का दुक्का देश होगा कोई, मगर सामान्यतः भारत के प्रति आकर्षण जहाँ पर है, प्रेम है, ऐसे ही देश इस पूरे विश्व में है। मगर आकर्षण यद्यपि महत्वपूर्ण है, शायद पर्याप्त नहीं है। आकर्षण को जब तक हम आकलन में परिवर्तित नहीं करते, तब तक भारत की जो सौम्य संपदा है, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहा जाता है, उसका प्रभाव विश्व मानस पर हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम सब इस संस्कृति के दूत के रूप में काम करें। उसी पद्धति से मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे भारतीय जनतंत्र की बात हम करते हैं, अभी अभी स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में हमने एक जेनेक्स डेमोक्रेसी नाम का एक नेटवर्क उत्पन्न करने के लिए विश्व के जनतांत्रिक देशों के 75 जनतांत्रिक देशों के हर देश के 5-5, 6-6 लोगों के ऐसे 30-35 लोगों के समूह एक समय ऐसे भारत में बुलाना और भारतीय जनतंत्र का उनको परिचय करा देना, जनतांत्रिक संस्कृति का परिचय करा देना, ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अभी जो एक दल आया था विगत नवंबर में, तो पोलैंड की एक युवा सांसद आई थी,
और बहुत तरीके से उन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया, समझा, कई जगह उनका प्रवास हुआ। और जाते समय उनको जब अभिप्राय मांगा गया तब उन्होंने कहा कि माय ओनली मैसेज इज इंडिया शुड बी ब्लोइंग इट्स ओन ट्रम्पेट मोर लाउडली। ये बात सही है कि जब तक हम अपनी संस्कृति के बारे में विश्व समुदाय को बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक आज के बदले हुए जमाने में उस संस्कृति का परिचय होना कठिन हो जाएगा, आकलन होना। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने वाणी और व्यवहार से संस्कृति का आकलन विश्व समुदाय को कराने की कोशिश करते रहे, जैसा एक काम यहाँ पर मोक्षायतन योग संस्थान में भी हो रहा है। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय संस्कृति लोकतांत्रिक है, सर्वसमावेशी है, मगर चुनौती यह भी है कि यद्यपि हम समावेशन के लिए जाने जाते हैं, समावेशन की प्रक्रिया में समावेशक और समावेशित दोनों की एक भूमिका रहती है। मैं मानता हूँ कि सभी को समावेशित बनने की प्रेरणा देने में समावेशक के नाते हम सभी इस संस्कृति के पूजक जो है, अर्चना करने वाले हैं, संवाहक बनकर काम करने वाले हैं, हमें यह शक्ति प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ और आचार्य जी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ माननीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में यह सम्मान पाना मैं मानता हूँ मेरे लिए एक पाथे है। पूरी विनम्रता से उसको स्वीकार करते हुए आप सबको प्रणाम करें। हमारे संस्कृति दूत आदरणीय विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धि जी के इतने सुंदर संबोधन के बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे शक्ति स्वरूपा परम आदरणीय उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी को। उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया हम सभी को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। माननीय सरसंघ चालक जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद श्री सर्वत्र बुद्धि जी, अध्यक्ष मोक्षायतन योग संस्थान स्वामी भारत भूषण जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं चेयरमैन श्री नेटवर्क श्री सुभाष चंद्रा जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसद श्री, सभी विधायकगण, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जन, आज यहाँ मोक्षायतन योग संस्थान के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। योग एक प्राचीन जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानव चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए योग को भविष्य का धर्म और विज्ञान भी कहा जाता है। योग के विभिन्न विद्याओं के अभ्यास से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। 27 सितंबर 2014 को 5000 साल से अधिक पुरानी विरासत भारतीय योग को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस मंतव्य के साथ रखा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। इसे तन एवं मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वास्तव में वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा दिया गया योग दुनिया के लिए एक अमूल्य उपहार है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध रहता है। इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख कर नहीं
बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया। आज की जीवन शैली में स्वस्थ शरीर बनाए रखना चुनौती है, पर मुश्किल नहीं है। दैनिक जीवन में कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या खाना है, यह सब यौगिक जीवन का ही अंग है। इसलिए कहा भी जाता है कि करो योग, रहो निरोग। जीवन के लिए योग रामबाण और संजीवनी बूटी है। योग एक प्राणायाम की भूमिका को हर कोई स्वीकार कर रहा है। योग और सात्विक जीवन पद्धति को अपनाकर ही हम आज की चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह हम प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए शुद्ध आहार विहार एवं योग व्यायाम द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ एवं आनंदमय बनाते हुए जीवन शरद शतक यानी 100 वर्ष जीवन जीने की सनातन उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं। योग को किसी धर्म विषय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग में सभी मानव के स्वस्थ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जो जीवन में खुशी, परम आनंद एवं शांति की अनुभूति करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना स्वामी भारत भूषण जी ने अपने 21वें जन्मदिन के अवसर पर आज ही के दिन 1973 में की थी। इस दृष्टि से आज स्वामी जी का जन्मदिन भी है। मैं आपके मंगलमय दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की याचना करते हुए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मोक्षायतन योग संस्थान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से भारतीय योग विद्या के मूल स्वरूप का शिक्षण व प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयासरत है। यहाँ के साधकों का सूत्र वाक्य है, शक्ति, संयम और सेवा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्षायतन योग संस्थान ने भारत योग नाम से मुहिम चलाकर भारतीय योग के मौलिकता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे खुशी है कि संस्थान द्वारा विकसित की गई योग गतियां योग की निरापद क्रियाओं के रूप में आज दुनिया भर में पहचान बना चुकी है। इसके लिए मैं स्वामी भारत भूषण जी को अभिनंदन करना चाहती हूँ। मोक्षायतन योग संस्थान नितांत सादगी से रहने वाले अनेक सहज गृहस्थ सन्यासी की संकल्प शक्ति की जीवंत मिसाल है, जिसने अपनी किसी भी गतिविधि के लिए कोई अनुदान लिए बिना अपने सीमित संसाधनों से योग को स्कूल, विश्वविद्यालय, पुलिस, सैन्य बल एवं प्रशासनिक अकादमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग को व्यवसाय न बनाने वाले योग गुरु स्वामी भारत भूषण जी के तप का ही ये कमाल रहा है कि मुझसे पहले भी ये देश के माननीय राष्ट्रपति सहित देश व विदेश की नामचीन हस्तियों ने संस्थान में आकर इसकी समाज उपयोगी गतिविधियों से जुड़ने में गर्व का अनुभव किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में गाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीत इसी मोक्षायतन की ही देन है। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से घोषित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पुरस्कार मोक्षायतन योग संस्थान के योग साधक श्री प्रणय शर्मा ने तथा मॉरिशियस देश का राष्ट्रीय खिताब भी वहाँ रहकर पढ़ रही मोक्षायतन की इस 10 वर्षीय बालिका देवी प्रत्याशा ने प्राप्त किया, जो आज वे दोनों का हम लोगों ने सम्मान किया। अंत में मैं मोक्षायतन योग संस्थान के अध्यक्ष स्वामी भारत भूषण जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई देते हुए संस्थान को 19वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि अगले वर्ष संस्थान जब अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा तब हम सभी नई उपलब्धियों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय शक्ति स्वरूपा महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, के इतने सुंदर संबोधन के बाद हम अति विनम्रता के साथ परम पूज्य परम श्रद्धे माननीय सर संचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी से विनम्र आग्रह करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन, स्वामी भारतभूषण जी, मित्रवर श्री विनय सहस्रबुद्धे जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी, अभी अभी महामहिम ने बताया कि उठना बैठना खाना पीना सबका एक समय होता है, नारे देने का भी एक समय होता है, वो उसी समय अच्छे लगते हैं। अपने यहाँ पर हम पहाड़ के पास है, ऊपर से खड्ड आती है तो गर्मी में तो पानी नहीं रहता, वर्षा में बहती और बहुत आवाज करती है, सागर भी आवाज करता है, सागर में भी ज्वार आता है, भाटा होता है, लेकिन उसका समय निश्चित होता है, अथांग जल उसमें सदैव भरा रहता है, जो कम नहीं होता है, जो ज्यादा नहीं होता, ज्वार भाटा रोज के समय का वो पालन करता है और उसको गंभीर कहा जाता है, उसको रत्नाकर कहा जाता है। और अपने यहां पर जो वर्षा में बहती आवाज करते हुए उसको खड्ड कहा जाता है। तो इन सब बातों का एक समय होता है, ऐसे ही सभी बातों के पीछे एक सत्य होता है, क्योंकि विश्व का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप सत्यमय है, ऐसा सब लोग कहते हैं। गंभीर बात है, समझने के लिए समय लगता है, लेकिन सूत्र रूप में वो एक सत्य है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र जी ने बताया, एक लंबी श्रृंखला बताई, गीता में भी बताया है ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणशक्ति। वैसे वो भी एक श्रृंखला है, बंधन क्यों होता है? हम लोग वैसे तो मानव में असीम शक्ति है और हरेक में है, किसी को मिली है, तथागत को मिली थी, हमको नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस शक्ति को उपयोग में लाने का सामर्थ्य हमारा नहीं बनता, तथागत का बना। उसका कारण इस मालिका को समझकर उन्होंने उसका निराश कर दिया। तो बातों की मूल में जाकर वहां से उन्होंने कारण हटा दिए तो सब ठीक हो गया। ऐसे हमारे शरीर मन बुद्धि की प्रवृत्तियां जो सारा तरंग उत्पन्न करती है, उसके कारण सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, जो है वो नहीं दिखता, जो ये बीच में आ गया वही दिखता है। जैसे आप नारे दे रहे थे उस समय आचार्य प्रतिष्ठा जी बोल रही थी, तो पहले कुछ वाक्य उनके आपके कल्लोल में विलुप्त हो गए, ऐसे हो जाता है। उसको हटाना और शांत करना, जो शांत है उसमें सब दिखाई देता है, जलाशय का जल शांत है तो उसका तल दिखाई देता है, उस पर तरंग है नहीं दिखाई देता है। और इसलिए योग की प्रक्रिया को उसके पहले सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः,
ये सब जो कोलाहल वगैरह वगैरह है वो अपने चित्त का खेल है। इसमें भी सुनने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त ये कोलाहल को सुनता ही नहीं, वो एकाग्र हो सकते कहीं भी। दुनिया ऊपर से आती है जाती है, वो ऐसे ध्यानस्थ बैठ जाते कि उन पर उसका कोई परिणाम होता नहीं, क्योंकि उन्होंने चित्त वृत्तियों को शांत करा दिया। योग के और भी वर्णन मिलते हैं, योग यानी जुड़ना, किससे जुड़ना, ये जो ऊपर की माया है शरीर मन बुद्धि, अब इसको माया कैसे कही, इसका अनुभव तो होता ही है हमको। आप यहां बैठे ये माया थोड़ी है, मैं बोल रहा हूं ये माया थोड़ी है, ये यहां पोडियम है, ये माइक रखा है, ये इसको मैं स्पर्श कर सकता हूं, देख रहा हूं, लेकिन आज का न्यूरो साइंस कहता है कि ये वास्तव में माया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया। अब चल के न्यूरो साइंस कह रहा है कि आपको वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही आप समझ पाते हो जिसको यहाँ आपके सॉफ्टवेयर में डाला गया है, उसके परे आप जा नहीं सकते। मुझे यहाँ ये फूल केसरी रंग का, ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है, क्योंकि अंदर व्यवस्था ऐसी है कि इसको मैं सफ़ेद मानूँ, इसको केसरी मानूँ, वो अगर हटा दी जाए तो मुझे ये रंग दिखे ही नहीं, उसको बदल दिया जाए तो मुझे ये रंग दूसरे दिखे। तो मैं जो देख रहा हूं वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया है। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युद्ध यानी जुड़ना, उससे योग बना है। और भी है, योग कर्मसु कौशलम, प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, यह भी योग है। और संतुलन भी योग है, समत्वम योग उच्चते, सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते, मैं शांत रहता हूं, मैं समर रहता हूं, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होते। और क्या है कि ये बात भारत की बात है, इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते, ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है, और इसलिए ये भारतीय निश्चित है, यही भारत को देना है। कभी कभी आजकल पेटेंट वगैरह बातें निकली है, तो इसका भी पेटेंट अपने देश के नाम पर करने की बात चलती है, इसलिए हमको ये कहना पड़ता है, नहीं तो इतना भी स्वामित्व हम नहीं चाहते किसी चीज का, क्योंकि योगी होने के कारण हम जानते हैं कि हम कहीं स्वामी नहीं है, हम इसके अंग है जो कुछ चल रहा है उसके, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से ये भारत का है, भारत को इसको देना है। जैसा सहस्र बुद्धि जी ने कहा कि हम सबको संस्कृति के दूत बनना चाहिए, ये हमारे लिए काम दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव, सारे दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन के लिए शिक्षा लेकर जाए हमको देख के, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोग हैं, एक तरह से बड़े भाई, क्योंकि ये योग दुनिया भी कल्पना करती है शांति की, संतुलन की, अहिंसा की, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह बात तो करती है, ठोकर खाने के बाद करती है, लेकिन करती तो है। आदर्श किसी को पूछा जाए तो वही बताएंगे सब लोग, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य,
शौच तप संतोष स्वाध्याय सत्य प्रणिधान, बात यही बताएंगे, लेकिन इसके पास ये होगा कैसे, ये दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक ज्ञान है। दुनिया ऐसे मानती है, विशेषकर आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार करना, विज्ञान क्या होता है तो आज की उसकी व्याख्या ये है कि ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानगम्य बोधगम्य ऐसी जो बातें वही केवल है। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए हैं, लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को उसका, यहां तक उसकी मर्यादा है। अब उसको जो नहीं दिखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है। यानी पुराने जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी कह दिया कि भगवान अगर है तो उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा, तभी मानेंगे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे वो, सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम लो, जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है उसका नाम लो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवहा 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 और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया। तो होता है, परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वह गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। इंद्रियाणि पराण्याहु क्या है, यो बुद्धे परसस्तु सहा मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सहा। ये इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है वो सत्य है, वो भाव से प्राप्त होता है, वो उनके पास नहीं है। वो शरीर मन बुद्धि को जानते हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने वाला क्या है वो नहीं है, उनके पास नहीं है। वो अर्थ काम और मोक्ष इनको समझते, इससे मुक्त होना इसको भी समझते, लेकिन ये सब ठीक हो और सबको मोक्ष प्राप्त हो इसके लिए जो धर्म चाहिए वो कल्पना उनके पास नहीं है। व्यक्ति का सुख, समूह का सुख वो जानते हैं, सृष्टि पर्यावरण इसकी भी जानकारी, इसका भी एक सजगपन उनके पास आया है, परंतु ये ने तीनों को अगर ठीक चलना है तो जोड़ने वाला क्या है उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। योग हमको उससे जोड़ता है। जुड़ने के तरीके अनेक हैं, मोक्षायतन का भी एक तरीका है, वो जोड़ने वाला है, इसलिए तरीका कोई होने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला जब अपने हाथ में है तब कुछ भी कैसे भी जोड़ सकते हैं। अभी कल ही मैंने एक जगह यही बात बोली कि हमारी मार्शल आर्ट्स भारत की, यानी नियुद्ध निशस्त्र युद्ध, 4 प्रकार है उस कला के, हनुमंती जरासंधी जांबवानी भीमसेनी, वो 4 प्रकार और हमारे नृत्य के प्रकार, भारतीय नृत्यों के प्रकार, नृत्य कला, इनके पदविन्यास मुद्राएं हस्तन्यास ये सारे लगभग समान है, केवल फोर्स और स्पीड में फर्क है। और दोनों को देखेंगे तो लगता है कि इनका मूल योगासनों में है, ये निरीक्षण है मेरा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे ये सारे प्रकार इसके भौतिक उपयोग है, कला का उपयोग मनोरंजन है, संदेश देना है, कुछ पहुंचाना है,
उपयोग है। नियुद्ध का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। योग स्वास्थ्यकर तो है ही, परंतु हमारे यहाँ इन तीनों का अभ्यास अपने स्वयं का उन्नयन करने के लिए होता है। कलाकार कला की साधना करते करते परम तत्व तक पहुंच जाता है। एक संगीत महोत्सव में वसीमुद्दीन डागर साहब आए थे, ध्रुपद गायक। वो कह रहे थे कि भाई एक एक स्वर की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये केवल लोगों को रिझाने के लिए या खुद रिझने के लिए संगीत नहीं है। भारत का संगीत ये तो वहाँ पहुँचने के लिए है। षड्ज साधते हैं तो अपने शरीर को समझते हैं, फिर ऋषभ फिर गांधार, ऐसा करते करते जब निषाद तक पहुँचते हैं तो आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चावस्था को प्राप्त होता है, और निषाद के बाद दूसरे सप्तक में जाते हैं तो वो पहुँच जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ सारी बातों का ध्येय क्या है? परम लक्ष्य जीवन का उपभोग नहीं, शरीर मन बुद्धि के लिए जीवन नहीं है। जीवन शरीर मन बुद्धि के परे जो है उसको देखने के लिए है। और इसलिए सारे प्रकार जीवन के उन्नयन की तरफ हमको ले जाते हैं। विशेषता यही है, जो बातें यहां है वो बातें वहां भी है, जो बातें वहां है वो बातें यहां भी है, लेकिन करने का तरीका, दृष्टि, करने का उद्देश्य, इनमें फर्क हो जाता है। और वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशु को पशु बनाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन पशु ये करता है क्योंकि वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता, उसको जन्म दिया है, अब उसको मरते दम तक जीना है। वो आत्महत्या भी नहीं करता, आप पशु आत्महत्या नहीं करता, कितना भी दुख हो जाए तो उसको जीना ही है। और जीते समय जो जो होता है वो भोगना है, तो भूख लगती तो उसको खाना है, मिला तो वैसे खाएगा, नहीं तो छीन के खाएगा या चुरा के खाएगा, उसके लिए मार भी खाएगा लेकिन मुंह की रोटी नहीं छोड़ेगा। उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को यह संवेदना है। संवेदना क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व का सूत्र एक है, इसलिए मेरे में संवेदना है। उस सूत्र को मैं समझ जाता हूं तो सारा विश्व मेरा अपना हो जाता है, फिर मेरे लोग कोई शत्रु नहीं रहता, और सारा विश्व चलता है उसका नियम मेरे ध्यान में आता है, मैं उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करके सुखपूर्वक चल सकता। मृत्यु और जन्म मेरे लिए मायने नहीं रखते, इस यात्रा में से मैं सहज पार होते चले जाता हूं और एक दिन इससे मुक्त हो जाता हूं। ऐसा जीवन जी के दिखाना विश्व के कल्याण के लिए भारतवर्ष पर दायित्व दिया गया है, उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया है। भारतवर्ष जब खड़ा होगा, उन्नत होगा तो क्या करेगा? बाकी सारी बातें उन्नत होगी, भौतिक सुख संपत्ति भरपूर रहेगी, इस देश में दुख दारिद्र्य रोग ये सब नहीं रहेगा, लेकिन ये नहीं रहा। अनेक वर्ष ऐसे देश दुनिया में होते रहे हैं, आज भी है, लेकिन वो कुछ दिन ऐसे रहते हैं फिर उनका पतन होता है और फिर नामो निशा भी नहीं रहता, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। दुख मुक्त होने के बाद दुनिया को दुख मुक्त करना, क्योंकि दुख मुक्त तब होते हैं जब जानते हैं कि सारी दुनिया मैं ही हूं, मेरे में सारी दुनिया है और सारी दुनिया में मैं ही हूं, और मैं यानी मैं छोटा हूं क्योंकि सारी दुनिया में मैं ही हूं, इस बड़े मायका में एक छोटा कण हूं। यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तो, ऐसा कहा भगवान को भक्त ने कि भेद चला गया लेकिन मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे यानी तुम मालिक मैं बन गया, ऐसा नहीं, मालिक तुम। सामुद्रोही तरंग क्वचन समुद्रोही तारंग, हमेशा समुद्र की लहरें होती है, लहरों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। समुद्र और लहरें एक ही बात है, लेकिन लहरों का समुद्र नहीं कहा जाता, समुद्र की लहरें, समुद्र बड़ा है। वैसे विश्व बड़ा है, उसका मैं एक कण हूं,
उसका योगदान करने वाला हो, उसका स्वामी नहीं हो, पार्ट एंड पार्सल हो, उसका घटक हो। मैं बढ़ूंगा तो विश्व बढ़ेगा, मैं ऐसे बढ़ूंगा कि विश्व बढ़ेगा, क्योंकि अगर विश्व की मेरे बढ़ने से हानि होती है तो हानि मेरी होगी, मेरा बढ़ना रुक जाएगा। और इसलिए स्वयं दुख मुक्त होने के बाद सारी दुनिया को दुख मुक्त करने के लिए बढ़ना, ये भारत की नियति है। उस नियति की ओर हम बढ़ रहे, इसके अनेक साक्ष्य हमारे सामने अब मिल रहे हैं हमको। तो सवाल है, इसके लिए हमको तैयार होना है, और इसलिए तैयार करने वाले ऐसे उपक्रम जहां जहां चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम जहां जहां चलते हैं, वो बड़े हो छोटे हो, वो विश्वभर में सम्मानित हो या वो दुर्लक्षित हो, अगर प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से ये कार्यक्रम चलते हैं तो उन कार्यक्रमों का अभिनंदन करना, वो कार्यक्रम चलता रहे इसके सहायभूत होना, उस कार्यक्रम में सहयोगी होकर स्वयं भी सीखना और लोगों को सिखाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम सब ये कर्तव्य करेंगे और मोक्षायतन योग संस्थान, जिसका आज जन्मदिन है और उसके संस्थापक स्वामी भारत भूषण जी का भी आप जन्मदिन है, उनको औपचारिक बधाई तो हम सबने दी है, लेकिन वास्तव में बधाई उसके लिए क्या होगी कि ये चले, ये आगे चलता रहे, इसमें अगर मेरा कोई उपयोग है तो हम उपयोगी बने, इसमें या और कहीं पर ये सारी बातें सीखकर हम अपने जीवन को बनाते हैं तो सबका जीवन ऐसा बने, इसलिए ले जो जो प्रयास मुझे करने हैं वो मैं करूं। अपने कर्तव्य के प्रति हम ऐसे उन्मुख होकर इस उपक्रम का विचार करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और 49 वर्ष तक इसको सतत चलाया है, अयाचित वृत्ति से चलाया है और आगे भी इसको चलाने का दम है, अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है इसको आगे चलाने के लिए। इन सारी बातों को देखकर ये संस्थान आगे चले, अच्छा चले, कार्य अच्छा चले, उसको अच्छा चलाने के लिए आप संस्थान से संबंधित सभी को सुदीर्घ आरोग्यमय जीवन प्राप्त हो, ये शुभकामना मैं आपको देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे चार शब्द समाप्त कर। परम श्रद्धे परम पूजनीय श्री सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आज मोक्षायतन योग संस्थान और इसके सभी साधक हृदय से कृतज्ञ महसूस करते हैं। परम पूज्य सर संचालक जी ने जो संग छद्वम का भाव और सहना ववतु और सर्वे भवंतु सुखिनः का जो भाव हम सभी के साथ साझा किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और मोक्षायतन योग संस्थान के अध्यक्ष गुरुदेव, जिनका आज जन्म दिवस भी है, मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगी कि गुरुदेव हमारे आग्रह पर पधारे इन सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी। शांति का दान दें। वाणी तो थोड़ी देर के लिए थम ही जाए, अच्छा हो कि जो भीतर भी बहुत बोलते रहते हैं हम, वो भी जरा सी देर के लिए थम जाए। परमात्मा की अनुपम कृति हैं हम सब लोग, उस रचनाकार ने बड़े सलीके से रचा है हमें, आओ थोड़ा उसको देखें, बंद आँखों से देखें, क्योंकि अपने हाथ का रखा हुआ भी अगर खोजना पड़े तो एक बार को आँख बंद करनी ही पड़ती है।
शांत, सहज, सौम्य, सुंदर। न तत्र रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। मेरे साथ एक बार प्रणवध्वनि करते हैं सब, क्योंकि इंडिविजुअल साउंड कॉस्मिक साउंड के साथ जुड़ती है। इंडिविजुअल एनर्जी, वैयक्तिक ऊर्जा हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ती है तो पूरा वातावरण बदलता है, भीतर का भी बदलता है, बाहर का भी बदलता है। इस दिव्य वातावरण में, इस शिवारण्यपुर में बहुत कम लोग यहाँ रहते हुए भी ये जानते हैं, बहुत कम लोग, कि ये शिवालिक क्षेत्र है और यहाँ पर एक पुल है। कभी शहर छोटा सा होता था और पुल है, जोगियान पुल। उससे पहले जंगल था और अनेक मूर्धन्य योगी इस क्षेत्र में हुए, क्योंकि यहीं से हिमालय का द्वार शुरू हो जाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से। मेरा सौभाग्य है कि जैसे मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब जानें, आज के जो शलाका पुरुष, आज के अति विशिष्ट विभूति हैं, जिनमें विशेष रूप से परम पूज्य संघ चालक, सरसंघ चालक, जैसे हमारे शरीर में एक सर्वोपरि चेतना है हमारी, उससे पूरे शरीर की व्यवस्था चलती है, ऐसे ही इस वैश्विक परिवार को, बल्कि कहिए तो ब्रह्मांडीय परिवार का जो इस समय मुखिया हैं, इसीलिए वो पूज्य हैं, श्री मोहन भागवत जी, श्रद्धेय मोहन भागवत जी। हमारे प्रदेश की आन बान शान, वो सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हमारी श्रद्धेया महामहिम श्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, जो जीवन ऊर्जा को दिशा देने का काम करते हैं अपने चिंतन के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से, ऐसे श्री सुभाष चंद्रा जी, और पूरी दुनिया में जो आज एक वैभव भारत का दिखाई दे रहा है और उसे अब निरंतर आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जितना जितना हम जड़ की तरफ चलते जाएंगे उतना उतना पौधा विराट रूप लेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत समय से कुछ कुचक्रों के माध्यम से, कुछ अज्ञानता के माध्यम से, कुछ भय के माध्यम से, कुछ शंकाओं के माध्यम से हम अपनी जड़ों से थोड़ा दूर होते चले गए। आज संस्कारों का अभाव, आज अपनी संस्कृति को जानने, क्योंकि जाने नहीं तो माने कैसे, जाने हो बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, उस संस्कृति को अपनी जड़ें दोबारा से मजबूत करने का अवसर मिल रहा है। और उसे, उस मजबूती को कहाँ से मिलेगा, वो मजबूती वो आप और हम सब मिल करके इन विशिष्ट विभूतियों के नेतृत्व में उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे दुनिया के जो तेजस्विता भारत की दुनिया देख रही है सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से, ऐसे श्री विनय सहस्त्र बुद्धे जी, ये मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना की, उसके कार्यकलापों की, और ये जो इतने उसके परिवारी जन बैठे हुए हैं जिनको
न मंच की चाह है, न सम्मान की चाह है, उनके पास केवल एक ही शिक्षा है कि वो अपने कर्म धर्म से विचलित न हों। उन सब की तपश्चर्या का ये सुप्रभाव है कि आज जिनको दर्शन करने को, जिनको मिलने को लोग सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने संपर्क किया कि क्या हमें भी अवसर मिल सकता है कि हम इस आयोजन में आ सकें, लेकिन हॉल की संख्या सीमित है, सीमा सीमित है। लेकिन यहाँ से जो ये ब्रॉडकास्टर्स, संजय तो अकेला ही पूरे महायुद्ध को देख रहा था, उस संजय ने पूरी दुनिया को उसका संदेश दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए दे दिया, संजय ने और उसके बाद व्यास जी ने मिल करके। तो ऐसे ही जो कार्य, जो यज्ञ सुरभि मोक्षायतन योग संस्थान की तीन आधार पर कि हम शक्तिमान राष्ट्र के व्यक्ति हैं और एतद् देश प्रसूतस्य, अगे बताया संचालक महोदय ने, उन्होंने गंगा में सागर भर दिया। स्मृतियों की भी चर्चा, योग दर्शन की भी चर्चा, उपनिषदों की भी बात और वेदांत की बात समेट दिया उन्होंने। सकाशाद अग्रजन मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीव्या सर्व मानवा। है तो ऐसा, हुआ भी ऐसा है, लेकिन आगे भी ऐसा होता रहे ये उनकी वेदना है। और ऐसा करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्वयं को जानने वाले, स्वयं की शक्ति को जानने वाले समाज के सदस्य हम लोग बने। सिंह के पुत्र सिंह ही होते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन अगर कोई सिंह का बच्चा, सिंह शावक गडरियों के भेड़ों के झुंड में रहने लगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो उनकी तरह घास भी खाता है, उनकी तरह झुंड में सिर झुक के भी चलता है, और अगर एक भेड़ कुएं में गिरे तो पीछे पीछे वो सिंह का बच्चा भी गिरता है। लेकिन ऐसे सिंह आते हैं, हमारे समाज में आते रहे हैं। अभी इस प्रस्तुति के माध्यम से आचार्य प्रतिष्ठा जी ने बताया कि मोहन को तो आना ही है। सिंह आया, उसने उस सिंह के बच्चे को जब बताया तो उसे दर्पण दिखाया। दर्पण कहाँ दिखाएगा, तालाब में मुंह दिखा करके कि देख तेरी मेरी शक्ल एक जैसी है। उन्होंने उसको दिखाया अपना स्वर एक अंधे कुएं में, उन्होंने गर्जना की और उससे कहा बेटा तू भी बोल के तो देख, तू भेड़ नहीं है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हमारी ये संस्थाएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे वो मोक्षायतन योग संस्थान है, और अनेक अनेक ऐसा, क्योंकि जगह जगह यज्ञ चल रहे हैं और ये हमारा समन्वित अभियान हमारे पुनर्जागरण के लिए है। तो वो जो तीन चीज़ें हमने ली कि शक्ति, हमारा नई पीढ़ी शक्तिमान बने, संयम, ताकत पा लेना बहुत आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। कुछ भी चीज़ अटका देती है, भटका देती है, वहाँ योग के द्वारा हम संयम करें और फिर उस संयमित शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए हो। और लोक कल्याण निश्चित रूप से उसमें है जिसमें भारत का कल्याण है। हमारी नासमझी ये है कि हम दुनिया के भले की सिर्फ बात करना चाहते हैं, क्योंकि उतना ही हम जानते हैं। लेकिन ये जो अब मुझसे पहले तीन संबोधन हुए और उनमें विशेष रूप से आनंदीबेन पटेल हमारे गवर्नर साहब का विशेष रूप से क्या, सभी का एक से एक बढ़ करके था, लेकिन उस सारे को वो जिसको वो भी सुनने के लिए आए हैं तो सोच लीजिए कि उसके पास कितना बड़ा भंडार होगा। विनय सहस्त्र बुद्धे जी इसलिए आए कि मोहन भागवत जी भी आ रहे हैं, महामहिम को भी ये लगा कि मोहन भागवत जी आ रहे हैं, और सुभाष चंद्रा जी की तो बात ही मत पूछो, उन्हें लगा कि आ रहे हैं। अपने 10 व्यस्तताएँ छोड़ करके आज सहस्त्र बुद्धे जी भी यहाँ पर, अपने सुभाष जी भी यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, आपने मुझे भी आशीर्वाद दे दिया और इतनी दिव्य मूर्तियों ने स्वतः प्रेरणा से आकर के आपके यज्ञ में ये आहुति अपनी ओर से दी है और ये कहा है कि मोक्षायतन योग संस्थान की यात्रा न रुके। वो सहारनपुर से दुनिया को एक संदेश दे रहा है अपने जीवन शैली के द्वारा, अपनी योजनाओं
के द्वारा, लेकिन वो यात्रा न रुके इसमें हम सब का योगदान होना चाहिए, क्योंकि वो यात्रा संस्कृति की यात्रा है, वो यात्रा एकात्मकता की यात्रा है। और जो ब्रह्म शिखोपनिषद का मंत्र है कि रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको तुमसि गम्य पैसाम अर्णव इव, कि हम लोग अलग अलग रूप रंग वेश में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। जैसे वहाँ पर अनेक रूपता है लेकिन उसके सुगंध एक, उसकी ऊर्जा एक, और उसी तरह से जैसे नदियाँ चलती हैं अपने तरीके से और अंततः महासागर में आकर के एक हो जाती हैं, तो पूरा विश्व भारतीय संस्कृति में समाहित न हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, और उस कार्य में हम सब लोगों का योगदान होना है। मैं आज इन चारों विभूतियों का, विशेष रूप से हमारे सरसंग चालक श्री मोहन भागवत जी का, इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी भावना को समझा। हमारी प्रथम भेंट हुई, बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन एक बड़ी चर्चा वो मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि तो उनके लिए उनका अपना कुछ नहीं, उनका जो कुछ है सब सार्वजनिक ही होता है। तो मैंने उनसे कहा कि एक थोड़ा सा अंतर आया है, जैसे इस देश में इस समय जिन लोगों के पास, विचारशील लोगों के पास देश का नेतृत्व है, उससे पहले भी अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने देश को आगे चलाया, लेकिन इस समय नेतृत्व उन लोगों के पास है जो ये जानते हैं कि ये श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण का देश है, ये चाणक्य का देश है, इसलिए उस शक्ति के आधार पर वो दुनिया के ऊपर आज उस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि पूरा विश्व की दृष्टि भारत की ओर आशा के साथ है, चाहे वो वैश्विक समस्या कोई किसी भी तरह की क्यों ना हो। और योग को वहाँ पर स्थापित करने का जो कार्य हुआ है उसके पीछे हम लोगों का, क्योंकि मैं भी उस व्यवस्था का एक हिस्सा हूँ, एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया में बम और धमाकों से बदलाव नहीं ला सकते, उससे सृजन कभी हो ही नहीं सकता। हमारे पास, भारत ने हमेशा दुनिया को नेतृत्व दिया, वो है वैचारिक शक्ति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति, तो उससे दुनिया के सोचने की दिशा बदलेगी, हम हिंसा से बाहर निकलेंगे, हम अतिक्रमण से बाहर निकलेंगे, हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझने में अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे, विध्वंस के लिए नहीं करेंगे। तो ये जो दिशा करने है, अब हमारे पास जो सरकार है वो इस तरह की है। और ऐसे ही जिस समय भगवान कृष्ण का उदय हुआ, संघ में भी इतना बड़ा यात्रा हमारी हुई है कि सब गुरुओं के साथ हमें जुड़ करके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन बीच में अंतराल आया हमारे समाज में कि हम या तो भक्ति में चले गए और या फिर एकदम अध्यात्म में चले गए। अध्यात्म पलायन नहीं है, ये चीज़ हमें भक्ति ने सिखाया, और जो मोहन की भक्ति है अज्ञानता के कारण वो सिर्फ जो है श्रृंगार पक्ष में चली गई। जो मोहन का कर्म पथ था श्रीमद् भगवद गीता का, उसके अध्येताओं का अभाव हो गया, उसके आचरण करने वाले लोगों का अभाव हो गया, और या फिर एकदम से ऐसे हो गए कि हम केवल भागवत सुनने में रुचि रखने लगे, हमें दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई चाहे हमारे देश की सीमाओं को तोड़ करके ही क्यों ना ले जाए। अब परमात्मा ने, और मेरे से आप सब लोग सहमत होंगे कि अब केवल मोहन का समय नहीं, केवल भागवत का समय भी नहीं, अब मोहन भागवत का समय है। हमारे पास रूप है, संस्कृति है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, आनंद है, लेकिन हमारे पास वो केवल शारीरिक बौद्धिक तक नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक तक भी है। तो मोहन भागवत का हम सब ने स्वागत किया, और मैं भी आपके साथ उन स्वागत करने वालों में हूँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ, इसमें कोई मेरे ख्याल संशय की बात नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने के मुख से एक चीज़ सुनी, उसे हम सबको सार्थक करना है। हमारी वंदनीय बहन मातृशक्ति श्रद्धेया आनंदीबेन पटेल जी, श्री राज्यपाल ने एक बात कही,
कि अब जब हम 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हम सब लोग फिर से ऐसा इकट्ठा होंगे, तो हमें इतना काम करना है कि उन्हें यहाँ आकर के इससे आगे का कुछ देखने को मिले, इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। मैं पुनः आप चारों विभूतियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं आज बोलने की स्थिति में तो हूँ ही नहीं, मैं तो पाने की स्थिति में हूँ आप सबका आशीर्वाद समेट सकूँ और उस ऊर्जा से ऐसा विस्फोट कर पाऊँ कि जितना 49 साल में हुआ है उससे ज़्यादा अगले एक साल में होगा, लेकिन वो आप सबके सहयोग के साथ होगा, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और उन्होंने कहा कि आचार्य प्रतिष्ठा ने पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ कोई अतिथि के रूप में आते तो हैं, लेकिन जब हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो इस भारत में रहा, पता नहीं कितने लोग अतिथि के रूप में यहाँ आए और बहुत से तो छद्म अतिथि के रूप में भी आ गए और इस देश को बहुत नुकसान उन्होंने दिया। लेकिन इस देश की विशालता, उदारता, सहृदयता, आध्यात्मिक शक्ति ये है कि उसने उन सबको पचा लिया, उनकी अच्छाइयों को लिया और उनकी शक्ति को अपने माध्यम से और बढ़ा दिया। तो आज इन अतिथियों का स्वागत तो हमने किया, लेकिन आज के बाद जब हम मिलेंगे तो क्योंकि वो सचमुच हमारे परिवारों के मुखिया हैं और इस बड़े परिवार के मुखिया हैं, तो हम उनको लिखित रूप में तो जाता रहेगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज के बाद से वो हमारे सम्मानित सदस्य के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे और उसी भाव से वो आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हरिओम। माता की, गंगा माता की, वेद माता की, गौ माता की और सबसे ऊपर सबसे पहले जन्मदात्री माता की ओम। व्यक्त करना चाहती हूँ उनकी उपस्थिति के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और आप सभी जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत आभार। शांति पाठ के साथ हम विधिवत रूप से अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर ही रहें, सिर्फ 2 मिनट। सभी लोग 2 मिनट अपना स्थान ग्रहण करके रखें। और जाने से पहले सभी एग्जिट से भोजन प्रसाद स्वरूप कुछ बॉक्सेस हैं, वो लेकर अवश्य जाएं। आप सभी का पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हरिओम।